गोल्ड कलर में गाड़ी तैयार कर दी है साहब भाई ने। भाईजान प्लाइड फोर्ड गाड़ी कह रहे हैं भाईजान, मेरे सुनने में ये आया कि ये 2004-05 वाला मॉडल है। सर ये प्लाइड फोर्ड गाड़ी, आप कोई कह ही नहीं सकते गाड़ी प्लाइड फोर्ड नहीं है। कस्टमर रिक्वायर्ड के ऊपर इसे लेक्सस हेडलाइट लगाई गई है। हाँ। इंडिकेटर करते हैं तो ऊपर भी इसके अंदर रनिंग बार्स बार होना होता है। इसका न्यू मॉडल में 3-4 वाला प्राडो है। सही है, इसको पूरा टोटली कन्वर्जन किया गया है, फ्रंट बैक साइड और इंटीरियर। बहुत माशाल्लाह अच्छा काम किया है, अंदर बाहर से देखने में महसूस नहीं हो रहा ये नया मॉडल है या पुराना मॉडल है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल वन से फैजान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे आप लोग जानते हैं यार अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे लाहौर का मौसम प्यारा हो गया, ऐसे प्यारे प्यारे कलरों वाली गाड़ियां तैयार करना शुरू कर दी हैं साहब भाई ने अपने तरह। साहब भाई का कलर ब्राउन है, गोल्डन कलर है जैसे माशाल्लाह, और वैसे ही गोल्डन गोल्ड कलर में गाड़ी तैयार कर दी है साहब भाई ने। भाईजान साहब भाई कैसे हैं? भाईजान मैं ठीक ठाक, आपकी तबीयत से ठीक है? मैंने आपसे शेक हैंड नहीं किया क्योंकि लाहौर में सर्दी बड़ी है भाईजान। भाईजान नए साल के साथ कलर भी नया दिया है। 2024 की हमारी पहली वीडियो है ना, बड़ी अमेजिंग है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत कलर तैयार किया है गाड़ी का, और साहब भाई के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। मुझे लगता है साहब भाई की शादी के ऊपर भी गाड़ी यही वाली भेजेंगे यार फाइनली। तो साहब भाई सुनाए कैसी तबीयत सेहत है? भाईजान मैं क्या तैयार किया आज के प्रोजेक्ट में, हमें हमारे व्यूज को वो बता दें। भाईजान प्राडो जो मेरे साथ पीछे खड़ा हुआ है, प्लाइड फोर गाड़ी लग रही है, बट ये प्लाइड फोर नहीं थी। सही है, ओल्ड मॉडल की गाड़ी थी। आप प्लाइड फोर गाड़ी कह रहे हैं, मेरे सुनने में ये आया कि ये 2004-05 वाला मॉडल है। सर ये प्लाइड फोर गाड़ी, आप कोई कह ही नहीं सकते गाड़ी प्लाइड फोर नहीं है। सही है, इसका न्यू मॉडल में 3-4 वाला प्राडो है। सही है, इसको पूरा टोटली कन्वर्जन किया गया, फ्रंट बैक साइड और इंटीरियर। बहुत सी प्राडो तैयार करते हैं हम, ऑडियम स्टाइल में हेडलाइट लगाते हैं। नहीं, कस्टमर रिक्वायर्ड के ऊपर इसे लेक्सस हेडलाइट लगाई गई है, आपको ये लगती होंगी आफ्टर मार्केट। लेक्सस जो लाइट है ना साहब भाई, बड़ी बेहतरीन लुक देती है जरा, और खूबसूरत में इसका कोई जानी नहीं है। अगर मैं कहूँ तो अब्दुल रहमान भाई इसके हैजर्ड ऑन करिए जरा, आपको ऑन करके दिखाते हैं, इतनी खूबसूरत लगती है साहब भाई। भैया इसके अंदर गाड़ी का शशका इसके सामने भी और साइड पे भी, इंडिकेटर करते हैं तो ऊपर भी इसके अंदर रनिंग बार्स बार होना होता है। सही है, उसी के साथ अगर देखें तो साहब भाई ग्रिल आपने ऑडियो भी फिट कर दिया है इसके ऊपर। क्लाइंट की इसमें मर्जी है ना, वो कहते हैं कि फ्रंट जो लुक है ग्रिल की वो ओरिजिनल होनी चाहिए। मतलब कस्टमर जो रिक्वायर्ड कहेगा ऑटो चैनल वन पे वो ही होगा, अपनी मन मर्जी कोई नहीं है, कस्टमर की चॉइस है, लेकिन बेहतर मशवरा देना हमारा उसकी मान। सर अच्छा बुरा बताना बता सकते हैं? अगर फ्रंट से अगर शुरू करें इस गाड़ी को साहब भाई, तो उसी तरह बोनट चेंज है जैसे हर गाड़ी का होता है, फेंडर चेंज है, हेडलाइट इसको लेक्सस स्टाइल लगाई गई है, बॉडी को ऑडियो में लगाई गई है, बॉडी का डीआर चेंज है, डीआर वाली उसी तरह बॉडी किट है यार। बॉडी किट हर वीडियो में हम लोग बोलते हैं कि विद बॉडी किट ये कन्वर्जन होती है, विदाउट बॉडी किट नहीं होती। अगर इसकी साइड प्रोफाइल पे आ जाए, सबसे पहले इस गाड़ी का अलॉय रिम है यार, अलॉय रिम बड़े खूबसूरत है यार जी भाई। इसको ओरिजिनल जो ओईएम प्राडो 2022 में आते हैं ना, वो वाले इसको एलोवीज लगाए गए हैं जी भाई, और उसके साथ इसको साइड फेंडर, साइड प्रोफाइल में भी हर चीज़ की चेंज की गई है। मतलब साइड साइड पे आ जाए तो साइड से पहले जो मुझे नज़र आ रहा है इसका वो साइड मिरर आ रहा है साहब भाई, साइड मिरर 2022-23 वाले इसको लगाएंगे, जिसमें क्रोम भी है। सही है, और इसमें इंडिकेटर भी है। सही है, उसी के साथ और इसका साइड प्रोफाइल पर बताना शुरू करें, इसके एयर प्रेसेस लगाए गए भाई, जो ओल्ड मॉडल में वो बड़े स्टाइल के होते हैं चौड़े एयर प्रेसेस, वो लगाए, इसको स्लिमर लगाए गए जी भाई, ऊपर से इसको रूफ रेल चेंज की गई है। ठीक है भाई, और इसके साइड्स के हैंडल्स चेंज किए गए, और पूरी बॉडी की जो शेप है जी भाई, इसके फ्रंट डोर्स की, बैक फेंडर्स की प्रॉपर इसको न्यू बनाई गई है। उसी के साथ साथ इसके अंदर डोर मोल्डिंग भी लगाई गई है भैया, जो कि क्रोम वाली गाड़ी को बड़ी डोर मोल्डिंग खाली खूबसूरती होती है कि गाड़ी को प्रोटेक्ट भी करती है भैया, एक साइड से लुक में भी ये जो है ना इसमें आती है, और उसकी डोर प्रोटेक्टर भी है ये। मतलब दरवाजा खोलने आपका गाड़ी का डोर नहीं टच होता, ये पहले ये टच हो जाती है जी भैया। देखें अब ये कोई भी वॉल आ जाती है तो पहले आपकी मोल्डिंग अटैच होती है। अगर इसी के साथ देखिए तो ये लाइनें बड़ी खूबसूरत आपने डाली हैं इस पर, हर बंदा बोलता है मैं लाइनें अच्छी बनाता हूँ, मैं अच्छी बनाता हूँ, लेकिन ऑन कैमरा हम ये चीज़ दिखा रहे हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह साइड प्रोफाइल से भी ये गाड़ी पकड़ी नहीं जा रही कि पांच मॉडल गाड़ी है। भैया ऐसा ही है, वो उसकी वजह है ना, आप इसमें देखें ये लाइन्स और ये लाइन्स हर बंदा डाल रहा है जी भाई। अब इसमें जो ये लाइन आती है ना, हाँ जी भाई, ये ओरिजिनल गाड़ी में भी आती है जी भाई, ये मैं मार्केट में ये लाइन नहीं देखता कि ये लाइन्स किसी गाड़ी पे हो। हाँ जी भाई, ये लाइन भी इसके अंदर बनाई जाती है जो फ्रंट से लेके लास्ट तक जाती है। हाँ जी भाई, ओरिजिनल इसके अंदर लाइन आती है ये वाली भी, और साइड प्रोफाइल भी इसको अलाइन, साइड प्रोफाइल लाइनें होगी, लॉयडिंग में होगी, हैंडल हो गए, डोर मोल्डिंग हो गए, साइड पैनल हो गए, वेदर स्ट्रिप होगी, एयर प्रेस हो गए, हर चीज हो गई, रूफ बार भी लगा दिया आपने। भाईजान रूफ बार कैसे लगाते हैं यार, डबल टेप से पेस्ट आएंगे गाड़ी की आवाज़ से उठ जाएंगे, ये बोल्ट टू बोल्ट लगते हैं, स्क्रू से पूरी गाड़ी प्राडो गाड़ी लाल है। मतलब
इसे मैं ला सकता हूँ? आप ही ला। अगर मैं दिखाऊँ तो यार ये पूरी रूबार से पूरी गाड़ी हिल रही है आपकी, और कोई भी ऐसे ला नहीं सकता, क्योंकि ये साहब भाई का दावा ही है कि ये बोल्टो से फिट ओरिजिनल फिटिंग में, और इसमें कोई एक्स्ट्रा सुराग नहीं है। हाँ। गाड़ी के अंदर जगह है। हाँ। उन स्क्रूज में लग जाती है। सर अगर बैक प्रोफाइल की बात करें, हम बैक प्रोफाइल पे आ चुके हैं साहब भाई, बैक प्रोफाइल की इसका क्या क्या चेंज है? बैक से भैया सब कुछ चेंज कर दिया गया, इसकी बैक की गार्निश जो कि ओरिजिनल 2022 में OEM स्टाइल में आती है जी भाई, वो इसको बैक गार्निश लगाई गई है, उसकी बैक लाइट चेंज की गई है, और इसका बैक का बम्पर, और इसका जो बैक का बम्पर पैड लगाया गया इसमें क्रोम वाला लगाया गया, ताकि गाड़ी को एक्स्ट्रा लुक आती है जी भाई। और इसके साथ साथ भाईजन मैं नीचे देख रहा हूँ, इसकी जैसे ऊपर की लाइटें जा रही है, पार्किंग और इशारा नीचे भी ऑन है, क्या सीन है? नीचे पार्किंग भी है, ऑन भी है। वैसे आम मार्केट में ये लोग आपके वो रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, बट इसमें आपकी हमने बार शेल में इसको लाइट्स लगाई है। देखिए पार्किंग ब्रेक पर चलती चलती है, इंडिकेटर पे भी चल रहा है। सही है, आपको दिखा दे। अभी चलते हैं अंदर इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर पे जाके बात करेंगे साहब भाई के साथ। साहब भाई हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, मुझे कहीं से भी ये पांच मॉडल नहीं लग रही है। इसका आपने कुछ भी नहीं छोड़ा कि पुराने मॉडल का, तो कोई चीज तो छोड़ देते हैं सर? इसमें हर चीज चेंज कर दी गई है प्रॉपर, इसकी अपने लुक के ऊपर इसका डैशबोर्ड कंप्लीट चेंज किया गया जी भाई, बिना किसी कटिंग के, और ओरिजिनल फिटिंग इसकी आ रही है। यार क्या बात, आप किसी इसके अंदर दिखाते रहे वो कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक माशाल्लाह प्रॉपर जैसे ओरिजिनल एक डैशबोर्ड रूम की फील आती है, नई गाड़ी की वो इसमें फील है। इसका मीटर चेंज किया गया, और उसी के साथ साथ इसको स्क्रीन जो कि 2021 पे 18 के बाद 23 तक जो इसमें स्क्रीन आती है वो इसमें लगाई गई है। मेरा क्लाइंट्स को ये कहना है कि आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी लेटेस्ट में जी भाई। मार्केट में क्या चीट कर रहे हैं आपके, जो ये वाली स्क्रीन है डैशबोर्ड तो चेंज हो जाता है जी भाई, बट तो ये चीज आपकी ये वो चेंज कर देते हैं 2015 वाला जी भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो उसका टोटल इंटीरियर है 2021 जो 22 में है वो वाला इसका चेंज किया गया, और उसके डोर्स के ट्रिम्स चेंज किए गए, आपको दिखाते जाएं, और जो सेंटर से आपकी सीट्स के पोशिश के कलर को पूरे से कंबाइन करता है। मतलब बात की जाए अंदर डैशबोर्ड भी चेंज कर दिया, सेंटर कंसोल भी चेंज कर दिया, गेयर लीवर वही रहता है, फ्रंट स्टेट इसका स्टेरिंग भी चेंज है, इसका मीटर भी चेंज है। अगर फाइनली बात की जाए सीट पोशिश मैटिंग और दरवाजों की, जैसे वन यूनिट पैकेज हम लोग बताते हैं हर वीडियो में, सीट पोशिश के साथ साथ दरवाजों की भी हो जाती है, उसके साथ सेंटर कंसोल भी, और नीचे 3D वाली मैटिंग भी हो जाती है। उसी तरह कंप्लीट ये गाड़ी तैयार है फाइनली। अभी चलते कस्टमर रिव्यू की तरफ ही है ना, इंशाल्लाह जाके कस्टमर से पूछते हैं उसे कितनी गाड़ी पसंद आई, या हम खाली बातें करते हैं साहब और फैजान भाई। क्लाइंट रिव्यू सबसे पहले हमारे पास मोहम्मद आरिफ साहब आ चुके हैं जो गाड़ी के ओनर हैं, इनसे बात करेंगे गाड़ी इतनी इनको कितनी पसंद आई। ऑटो चैनल वन पे खाली साहब या फैजान क्या बातें करता रहता है, या क्वालिटी वाला काम हुआ इनका? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है सर? आपकी तबीयत से ठीक है सर? आप मुझे ये बता दें प्यारे भाईजान कि आपको गाड़ी कितनी पसंद आई? माशाल्लाह ये तो हमारा फर्स्ट टाइम था अपग्रेड करवाने का गाड़ी, पुराना मॉडल, और बहुत माशाल्लाह अच्छा काम किया है, अंदर बाहर से देखने में महसूस नहीं हो रहा ये नया मॉडल है या पुराना मॉडल है। सर मैंने ये एक ही सवाल आपसे करना है जो मैं कभी भी किसी कस्टमर से भी नहीं करता, मुझे ये बता दें गाड़ी दिए गए कब गए थे? यार गाड़ी तो काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन मेरे ख्याल से रमज़ान के आगे पीछे छोड़ के थे आपके पास। मतलब अगर रमज़ान की बात की जाए तो 9 माह हो चुके हैं गाड़ी आपको दिए हुए, ऑटो चैनल वन ने आपकी गाड़ी सेफ एंड सिक्योर खड़ी की हुई थी जी? आप चलाते रहे हैं? नहीं गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल सेफ, उसी तरह सेफ जी बिल्कुल, पार्किंग में टॉप कवर डाल के खड़ी की हुई थी जी। तो मतलब ये बात है कि कोई भी इधर गाड़ी छोड़े वो अपने सेफ एंड सिक्योर ऑटो चैनल वन पे जी इंशाल्लाह, और बे टेंशन फ्री होकर गाड़ी छोड़े, बिल्कुल फ्री हो गए। ले जी ये भाईजान ने 9 माह से गाड़ी छोड़ी हुई थी साहब भाई, इसी तरह यार भाईजान वो किसी अपने किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके बस यही वजह, गाड़ी उनकी थी आप गाड़ी उनकी जी हां, ये तो हमारा अपना कुछ और मसला था इसलिए आ ही नहीं सके, चक्कर ही नहीं लगा नहीं। बाकी तो इंशाल्लाह कुछ मैं ये बता देता हूं कि बड़े भाई के भाई होते हैं यूके में, वो चले गए थे वापस यूके में जी, और भाईजान अभी इनका 9 माह बाद चक्कर लगा तो हमसे गाड़ी रिसीव करने आए हैं जी बिल्कुल। फाइनली अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह आप बेफिक्र होके गाड़ी दे के जाए तो आपको गाड़ी आपकी उसी तरह मिले अमानत जैसे दे के जाए, फिर आप आ जाए ऑटो चैनल वन पे, क्योंकि ऐसे जिम्मेदार टीम मिलती है आपको ऑटो चैनल वन पे। इसी के साथ हमने मेज़बान फैजान अली को, साहब भाई को, मेरे बड़े प्यारे भाई मोहतरम जो मेरे साथ खड़े गाड़ी वाले, इनको इजाज़त दे, मेरे कैमरा मैन को इजाज़त दे, तैमूर भाई को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू, अल्लाह।